सरोकार। मैं उत्कृष्टा यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों का। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद रहा। इसके अलावा बेसहारा महिलाओं से आश्रय स्थल कृष्णा कुटीर भी राष्ट्रपति जाने वाले हैं। वही सेना की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मसले पर सरकार को घेरने में लगी हुई है। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए। बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं का यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे तक होगा, जहां एक तरफ सेना प्रक्रिया में भर्ती की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ। युवाओं, उनका कहना है कि युवाओं के हित में ये योजना नहीं है। पहले युवा इतने सालों तक तैयारी करे, उसके बाद सिर्फ 4 साल की नौकरी। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि उन्होंने पहले भी पत्र लिखकर सरकार को यह अवगत कराया है कि यह योजना युवाओं के हित में नहीं है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। अलग अलग 1 बजे तक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चलेगा अग्निपथ योजना के खिलाफ। वह इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या अपडेट है इस प्रदर्शन को लेकर? क्या कोई बड़ा चेहरा भी इस प्रदर्शन में शामिल है लखनऊ से? जी, इसका आपको बता दें कि आज देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आपको बताया कि कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय मकान की तरफ से पीसी का आयोजन किया गया। इस पीसी में कहा गया कि जो अग्निपथ योजना है वो युवाओं के साथ छलावा है और इसके खिलाफ प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश में उन्होंने बात की कि हर एक विधानसभा वार यानी कि 403 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं आपको बताया कि उनकी तरफ से कहा गया कि इस योजना से केंद्र सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि 4 साल के बाद जो 48,000 के एक बार एक खेमे में जो लिए जाएंगे उसमें से 12,000 लोगों को डायरेक्ट उसमें से सेना में नियुक्ति मिलेगी, बाकी लोगों को चौकीदार बनने के लिए भाजपा छोड़ देगी। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ उन्होंने भाजपा को घेरा और ये उनका आह्वान किया कि पूरे प्रदेश के 403 विधानसभाओं में कांग्रेस अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। जी विभांशु, लेकिन जहां एक तरफ अग्निवीरों की जो भर्ती है, जो अग्निपथ योजना में भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, जो युवा है वो फॉर्म भी भरना शुरू कर चुके हैं, तो एक तरफ प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, दूसरी तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मायने हैं इन सब चीजों का? आखिर जब युवा अग्निवीर में नहीं जाना चाहता तो वो कौन युवा है जो फॉर्म भर रहे हैं? जी, अगर बात करें तो देश में आज के समय अगर देखे तो कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है। साथ ही साथ एक वैकेंसी निकलती है तो उसपे सैकड़ों आवेदन होते हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का जब आया तो तमाम जो आर्मी के रेगुलर भर्ती वाले एवं कई तरह के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया जो इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। मगर आपको बताएं कि इसमें उम्र जो क्राइटेरिया रखा गया है इसमें खास तौर पर अगर देखे तो युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं इसको लेकर उत्सुकता है और पूरे बढ़ चढ़ कर इसमें जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है उसमें फॉर्म भरने के जब आखिरी तिथि होगी तो सामने आएगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा। मगर पहली खेप में 48,000 अग्निवीरों को भर्ती की प्रक्रिया होनी है,
वहीं आपको बताएं कि एक तरफ जहां आपने बीते दिनों देखा कि तमाम जगह आगजनी हुई, साथ ही साथ छात्रों के आक्रोशिक रवैये की वजह से कहीं ना कहीं सरकारी क्षति पहुंची है संपत्तियों को, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार उनको तमाम लोगों ने, जिम्मेदारों ने, साथ ही साथ सैन्य अधिकारियों ने, नेताओं ने उन्हें ये इस बातों को आगाह किया कि आप ऐसा देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे, अपनी मांग को शांति पूर्वक रखें। वहीं आपको बताएं कि तीनों सेना के प्रमुखों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, साथ ही साथ जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और युवाओं को जो योजना है उसके बारे में समझाने का काम किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज का प्रदर्शन किस तरह का रहता है और इसके क्या मायने रहते हैं। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विभांशु। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर पहुंच गई है। शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे अपने 15 अन्य बागी विधायकों को मिले डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। शिंदे को अब सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें मुंबई लौटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। आखिर कब तक वो गुवाहाटी में रहेंगे? शिंदे गुट ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देने और इस पर रोक लगाने का निर्देश देने की अपील की है। महाराष्ट्र के सियासी संकट की जो पटकथा है मुंबई, सूरत और गुवाहाटी से लिखी गई है, लेकिन अब मामला हाथ से बाहर जाने लगा तो दोनों गुटों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है। यानी कि लगातार बयानबाजी, संजय राउत तक के अपने बयानबाजी और तमाम तरह की बातों के बीच अब एकनाथ शिंदे को सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा नजर आया है। उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें चौपाटी वापस लौटा सकता है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसके हित में फैसला सुनाती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है। हालांकि यह सुनवाई शुरू हो चुकी है, कई लोग सुनवाई का लाइव प्रसारण भी देख रहे हैं, हर किसी की जो निगाहें वो फैसले पर टिकी हुई हैं। संवाददाता सागर थापा इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, क्या एकनाथ शिंदे को गुवाहाटी से चौपाटी वापस लौटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा दिख रहा है अब? वो अपने विधायकों के साथ असम में जाकर रह रहे हैं, गुवाहाटी में जाकर रह रहे हैं, और उन्होंने कई विधायक से लेकर मंत्रियों से भी वहां मुलाकात की। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए उद्धव ठाकरे की बात है, तो उद्धव ठाकरे का साफ साफ कहना है कि अगर विधायक कोई भी बागी अगर होता है तो वो उन्हें वापस नहीं लेंगे। और साफ साफ उनका ये चैलेंज है कि जो भी बागी विधायक है, अगर वो बागी मंत्री भी है, तो अगर वो चुनाव दोबारा लड़ेंगे तो शिवसेना उन्हें खड़ा करेगी, साफ साफ। वहीं आदित्य ठाकरे का कहना है कि टाइगर कभी पीछे नहीं हटता, कभी पीछे नहीं भागता। तो साफ साफ कुल मिला के ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट मानना ये होगा कि अगर एकनाथ शिंदे की वापसी की जाए तो। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, उनकी साफ साफ ये कहना है कि वो किस तरह की सरकार में काबिज रहेंगे, काबिज उनके महाराष्ट्र में उनकी सरकार काबिज रहेगी, उस सरकार को कोई पूरी तरह से हिला नहीं सकता। जी, अगर बात किया जाए संजय राउत की सागर, तो संजय राउत ने अभी हाल ही के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ये विधायक वापस आते भी हैं तो ये लाश होंगे, इन्हें हम एज ए लाश भेजेंगे विधानसभा में। वहीं दूसरी तरफ अब जो राउत हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब हमारे घर का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। तो राउत का जो डबल स्टैंडर्ड बयान सामने आ रहा है, इससे क्या चीजें सामने निकल के आ रही है? कभी वो कह रहे हैं कि हमारे हिस्सा है, हमारे शिव सैनिक है, कभी वो कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी से चले गए हैं वो लाश है, उनकी आत्मा पहले ही मर चुकी है। क्या खेल संजय राउत की तरफ से खेला जा रहा है? देखिए, आपको बता दें संजय राउत जो है काफी वरिष्ठ नेता है और काफी कई असेंबली में वो बैठ चुके हैं, कई विधायकों के साथ, कई मंत्रियों के साथ, कई मुख्यमंत्री उन्होंने देखे अपने कार्यकाल में। लेकिन अब उनके बयानबाजी जो लगातार पलटती आ रही है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि शिव सैनिक हमारे हैं और जो बागी विधायक हमारे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें खुला चैलेंज दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी अगर देखा जाए तो ये पूरा जो मामला है वो राजनीति से जोड़ा जाता है, क्योंकि राजनीति में अगर देखा जाता है
तो बयानबाजियों का दौर चलता है, कभी वो पार्टी ये बयान देती है, कभी शिवसेना बयान देती, कभी एनसीपी बयान देती, कभी जो महाराष्ट्र सरकार की जो सहयोगी दल की पार्टियां वो अलग अलग बयानबाजियों से अपना मीडिया में एक इम्पैक्ट छोड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बयानबाजियों का दौर है, क्योंकि संजय राउत शुरुआती दौर में काफी बागी और काफी कड़े फेवर के माने जाते थे, लेकिन अब उनका जो रुख है काफी हल्का होने लगा, काफी नरम होने लगा है, तो उन्हें भी लगता है कि सरकार बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, अजित ठाकरे जो है उनका साफ साफ ये भी कहना है कि उन्होंने 30 मई को जो बीते 30 मई है उन्होंने एकनाथ शिंदे को ऑफर किया था सीएम पद के लिए, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस चीज को ठुकरा दिया और वो कहीं ना कहीं बागी बन गए और 15 विधायकों के साथ मंत्रियों के साथ असम में जा बैठे। जी जो आज की सुनवाई है सागर, सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ ताजा अपडेट है, कुछ ताजा अपडेट अभी तक सामने आ पाई है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और एकनाथ शिंदे का साफ साफ ये मानना है कि उनके महाराष्ट्र वापसी में क्या शिवसेना रोड़ा तो नहीं बनेगी, तो कुल मिला के ये है कि सुनवाई अभी जारी है और ये सुनवाई काफी बड़ी सुनवाई मानी जा रही है। एकनाथ शिंदे है एक तरफ, शरद पवार एक तरफ, संजय राउत एक तरफ, आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गई, तमाम सहयोगी दल है, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला बड़ा टक्कर का माना जा रहा है। ये अगर ये फैसला आता है किसी के हक में तो बहुत बड़ा फैसला माना जाएगा। जी एक तरफ जो शिव सैनिक लगातार मुंबई में तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे बागी विधायकों के घर पर जाकर के, क्या लगता है आपको कि पहले उद्धव ठाकरे ने प्यार से समझाने की कोशिश करी, इमोशनल कार्ड खेला, उसके बाद जब नहीं ये काम आया तो उन्होंने शिव सैनिकों को रोड पे उतार दिया? जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे विले पार्ले से हो गया, तमाम कुछ इलाके हैं वो शिवसैनिकों के माने जाते हैं। शुरुआत से बाला साहब ठाकरे के टाइम से ही अगर देखा जाए तो इलाके जो माने जाते हैं वो शिवसैनिकों के माने जाते हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, वसई हो गया, तमाम इलाके ऐसे हो गए जहाँ पे एकनाथ शिंदे का पूरा दबदबा माना जाता है, तो कुछ जगह पे एकनाथ शिंदे के हक में समर्थन में शिवसैनिकों ने हंगामा काटा, तो वहीं कुछ जगह पर आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिवसैनिक हंगामा लगातार कर रहे हैं, रोडों पे उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है शिवसैनिक को चप्पल लेके उतर रहे हैं, तमाम अपने अपने ढंग से विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो कुल मिला के देखना ये भी दिलचस्प होता है कि आखिर इस फैसले के बाद क्या निकल के सामने आता है और किस मोड़ पर ये महाराष्ट्र सरकार की न्यू टिकती है। जी सागर, क्या अब सत्ता की लड़ाई वर्चस्व की भी लड़ाई हो चुकी है जिस तरह से शिव सैनिक रोड पर है, डबल स्टैंडर्ड बयान आ रहे हैं, एक नाथ शिंदे को मुंबई वापस लौटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तो क्या अब सत्ता सियासत की लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है? देखिए आपको बता दूं कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपनी मर्जी से गए थे और उन्होंने अपनी मर्जी से ही ये एक फैसला लिया रुख खाना कि वो वहां पर ना रह के मुंबई में ना रह के वो असम का रुख करें, गुवाहाटी का रुख करें, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज ही अगर कहीं ना कहीं जो शिवसैनिकों का बयान आ रहा है, शिवसैनिकों का जो उत्पात आ रहा है, कहीं ना कहीं जो वो तबाही मचा रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरफ उद्धव ठाकरे भी सोच रहे हैं कि एकनाथ शिंदे उनके साथ दोबारा से आए, एक बार अच्छे से सरकार बनाए, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को ये लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे तो क्या पता उनकी सरकार एक बेहतर रुख अपनाए उनके लिए और क्या पता वो सीएम पद के प्रबल दावेदार साबित हो। जी जी बिल्कुल सागर, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी जारी है, आप इस पे अपनी नजर बनाए रखिए और हमारे दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचाते रहिए। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।